नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, खबर आज के दिन में दोपहर में हुई एक घटना पर। दरअसल आप वीडियो जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर कुछ महिलाओं के बीच में झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है। तो ऐसा वाक्य है कि एक महिला आती है पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए, और जब पेट्रोल भरने के समय नोजल को दबा के रखता है, तो महिला उसका विरोध करती है कि आप इस तरह से नोजल को क्यों दबा के रख रहे हो, नोजल को आप फ्री छोड़ दीजिए। तो उस बात पर बात बढ़ते बढ़ते नौबत झगड़े की और मारपीट किया जाती। ये वीडियो आप पूरा देखिए। इसके बाद में इस वीडियो के ऊपर मार खाई हुई महिला ने क्या बयान दिया, आप उसका बयान सुनिए। उसके बाद इस वीडियो के ऊपर पेट्रोल पंप मालिक की प्रतिक्रिया और उसका बयान भी सुनिए। उसके बाद कुछ चीजें और कुछ सवाल जो है वो मैं कंटिन्यू करूंगा। अनुश्री नरेंद्र साळवी। आपके साथ क्या, वो बताइए। दुपारी मी पेट्रोल पंपावर गेले असता तिथे त्यांना सांगितलं की तुम्ही पेट्रोल पंपाचं जे नोजर असतं ते पकडू नका, सोडून द्या, कारण मीटर ऑटोमॅटिक असतं, स्टॉप होतं आणि बंद होतं, जेवढं भरल्यावर बंद होतं। तर त्यांनी बंद न करता मला म्हणलं, नाही नाही असं आमचं हे बरोबर आहे, हे तुम्हाला माहिती नाही काय नाही। तर मी एवढंच बोलले, शूटिंग काढू नका म्हणून मी मोबाईल घ्यायला गेले, तर तिथे सगळ्यांनी पकडून मला मारहाण केली। तो आपने क्या पुलिस कंप्लेंट किया? हाँ, पुलिस कंप्लेंट के लिए मैं।
आपको कहाँ कहाँ लगा? कानाला लागलंय खूप, कानात जोरात फटका मारलाय त्याने, जोरात माझ्या थोबाडीत मारली, नंतर हाताला इथे लागलेलं आहे, इथे ह्या साईडला लागले आहे, आणि बोट माझं वाकडं केलं होतं. आपकी मांग क्या है? मेरी मांग सिर्फ इतनी है कि जो चल रहा है वसई में वो फ्रॉड जो चल रहा है वो होना नहीं चाहिए. प्रशासन को कुछ, पुलिस प्रशासन से कुछ मांग करना चाहिए? नहीं, पोलिसांनी तेवढं काळजीपूर्वक हे केलं पाहिजे ना, घेतलं पाहिजे विचार सगळे त्यांचे, आमचे विचार, आम्ही ग्राहक आहोत, आमचं म्हणणं त्यांनी मानून घेतलं पाहिजे की आम्ही काय बोलतोय, कुठल्या विषयावर बोलतोय आणि कसं बोलतोय हे त्यांनी आमचं मत मांडून घ्यावलं पाहिजे ना. नुसती समज देऊन आणि नुसतं हे देऊन उपयोग नसतो त्याचा, किंवा नुसतं सांगायचं दोन्ही क्रॉस कनेक्शन हे करायचं बोलायचं आणि लगेच पाठवून द्यायचं हा विचार नसतो ना. तुम्ही आम्हाला नीट कोऑपरेट करा ना, कोऑपरेट ह्याच्यासाठी करा की तुम्ही मी काय म्हणती आहे, माझं म्हणणं काय आहे, ती लोक कशी वागतायत, त्या पेट्रोल पंपावर काय काय चाललंय हे तुम्ही नीट बघा ना. आणि त्याचं हे माझ्याच बाबतीत नाही, बऱ्याच लोकांच्या बाबतीत झालेलं आहे हे सगळं. आणि हेच मला नको आहे की आपल्या वसईमध्ये आम्ही एवढ्या वर्ष पेट्रोल पंपावर 45 वर्ष पेट्रोल पंपावर येतो, कधी असं झालं नव्हतं. आणि आता या नवीन नवीन मुली आलेल्या आहेत, बोलायचं भान नसतं, काही नसतं, वाटेल तसे शिव्या घालतात, वाटेल तसं बोलतात, आणि मी मॅनेजर आहे माझ्याशी बोला आणि धाडकन येऊन थोबाडीत मारतात आणि वरूनच मला म्हणतात की तुम्हीच मारलं म्हणून. हा कुठला न्याय आहे? मला फक्त न्याय हवा आहे आणि ह्या सगळ्या वसई लेडीज करता पण पाहिजे आणि आपल्या सगळे लेडीज व हे राय सगळ्यांनी मिळून ह्याचा काहीतरी तोडगा काढा, हाच मी विचार सांगते तुम्हाला, बाकी काही नाही. पोलिसांकडे माझं एवढंच म्हणणं आहे मला की पोलिसांनी आता मी आले इथे निदान कमसेकम माझं वय बघून किंवा माझं हे बघून त्यांनी हे करावं, मला सपोर्ट द्यावा, मला माझं तुम्ही चुकलात किंवा तुम्ही काय बोललात असं बोलू नका आणि कारवाई त्यांच्याबद्दल करा, काहीतरी करा. पोलीस ह्याच्यासाठी जावेत नाही. आता मला जर मला थोडंसं बधीर झाल्यासारखं झालेलं आहे, त्याचं काय, त्याचं कोण जिम्मेदार आहे? मला जर हे डॉक्टरीचं जर हे झालं तर ते कोण करणार? मला फक्त एवढंच आलं की पोलिसांना त्यांनी समज द्यावी की पोलिसांनी आमची बाजू मांडावी. एवढं सर्व होऊन सुद्धा पोलिसांनी कसलीही कारवाई केलेली नाही आहे. पेट्रोल पंपवाल्यांना ते पाठीशी घालतात असं एकंदरीत आम्हाला दिसून येते, तरी कारवाई करणं हे फार जरुरी आहे. गुन्हा दाखल होणं फार जरुरी आहे आणि ह्याचा पेट्रोल पंपवाल्यांना दणका दाखवणं फार जरुरी आहे. सर, आज आपके पेट्रोल पंप पर एक महिला ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट हुई, तो ऐसी घटना आपके पेट्रोल पंप पर हुई, किसकी क्या जानकारी आपके पास? आज दोपहर में तकरीबन 1:15 बजे के आसपास जो महिला की आप बात कर रहे हैं वो महिला मेरे पेट्रोल पंप पे आई. महिला पेट्रोल पंप पे आने के बाद उन्होंने बताया कि मेरे गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल नहीं गया और इसका आर्ग्यूमेंट उसने इस हिसाब से लगाया कि आपका पेट्रोल पंप वाला जो नोजल रहता है जो पेट्रोल के लिए डीजल के लिए गाड़ी में डालते हैं वो नोजल को हाथ पकड़ के खड़ा था. मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है क्योंकि तब मैं घर पे था, मैं घर से जब ये मैटर होने के बाद इधर आया वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है पूरी. वो बार बार एक ही बात बोल रही है कि मशीन में ऑटोमेटिक सेट करने के बाद नोजल को वापस वापस हाथ लगाने की जरूरत नहीं है. तो मैंने उस रिकॉर्डिंग के ऊपर उस मैडम को एक ही बात बोली है कि मुझे किसी भी एक पंप पे लेके जाओ जहाँ पे मशीन में सेट करने के बाद नोजल ऐसा रख देते हैं और हाथ छोड़ के खड़ा हो जाते हैं, फिर अपने आप पेट्रोल डीजल जाता है, अपने आप सब हो जाता है, उसे हाथ पकड़ने पड़ता है. अगर वो खींचेगा नहीं तो जाएगा कैसे, अंदर मोटर कैसी शुरू होगी? अगर वो गिर गया, पेट्रोल डीजल बाहर गया, किसके कपड़े पे गया, तो क्या करेंगे? नहीं, लेकिन उसमें लॉक सिस्टम होता है, एक बार लॉक करके. लॉक ठीक है, लॉक की कोई बात नहीं है. मैंने नोजल रख दिया, आप कार लेके आ गए, मैंने आपके कार में आपने बोला 500 का डाल दो, मैंने नोजल रख दिया 500 का, हाथ छोड़ दिया, वो नोजल नीचे गिरेगा, उसको 3.5 किलो वजन होता है, फिर जो वेस्ट हो जाएगा उसके ऊपर से कस्टमर नहीं बोलेंगे. अगर बाइक पे कोई आता है नोजल देखो, अच्छा नोजल रख दिया, हाथ छोड़ के खड़ा रह गया. नहीं, लॉक पर से हाथ छोड़ने की बात हो रही है, नोजल पर से हाथ नहीं, लॉक पर से. एक मिनट, ये आर्ग्यूमेंट बेसलेस और जीरो है. नोजल ही ऐसे रहता है, उसका लॉक इधर है इधर है, नोजल को कोई ऐसे नहीं पकड़ेगा, उसकी मुट्ठी में डाल के पकड़ना होता है. किसी भी पेट्रोल पंप पे जाओ उसकी मुट्ठी में पकड़ना होता है, उसके इधर और इधर ट्रिगर रहते हैं, उसको कोई ऐसा पकड़ के नहीं डालेगा, तो उसको पकड़ना ही रहता है.
रही बात और मेरी मैनेजर ने हर चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, सीसीटीवी की भी है और मेरे एम्प्लॉयज ने जो वीडियो निकाले हुए है वो भी है हमारे पास। मेरी एम्प्लॉय मेरी मैनेजर उनको क्लियर कट बोल रही है, आपको अगर कम गया लगता है तो हम आपको 5 लीटर का माप निकाल के दिखा सकते हैं। सिर्फ मैं नहीं, हिंदुस्तान का हर पेट्रोल पंप का मालिक और हर पेट्रोल पंप का स्टाफ आपके डाउट क्लियर करने की जिम्मेदारी है, ग्राहक भगवान है। अगर आपको लगता है कि आपके गाड़ी में कम गया है, आप उसी नोजल से उसी पॉइंट से 5 लीटर का वेट एंड मेजरमेंट ऑफिसर ने दिया हुआ माप रहता है वो आप पूरा देख डाल के देख सकते हैं। वो 1 लीटर आधा लीटर नहीं दिया है, वो पूरा 5 लीटर दिया है ताकि उसमें 25 ml भी कम हो तो भी वो आपको दिखाई दे, नहीं तो 1 लीटर में 2 ml कम रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। मेरी मैनेजर ने उसको ये भी ऑफर किया पर उसने वो नहीं सुना, उसने चिल्लाते हुए बोला मैं पैसा नहीं दूंगी। तब मेरी मैनेजर ने बोला हम आपकी गाड़ी नहीं छोड़ सकते, ऐसी दादागिरी नहीं चलेगी। फिर उसने बोला हर चीज वीडियो रिकॉर्डेड है, फिर उसने बोला आपने जो पेट्रोल डाला है वो मेरे गाड़ी से निकाल के ले लो। मेरी मैनेजर ने बोला ठीक है आप गाड़ी बाजू में लगाइए हम पेट्रोल निकाल के लेते हैं, ऐसा इतना सुनने की जरूरत नहीं है। पर ये भी माना, वो मानने के बाद बोलते मेरी गाड़ी को हाथ नहीं लगाने का, यानी ए से बी से सी से डी से ई सिर्फ पॉइंट के ऊपर उड़ते जाने का। अब वो बोल रहे हैं कि हमने वीडियो क्यों बनाया, अगर आज मेरे एम्प्लॉय वीडियो नहीं बनाते तो मेरे पास क्या प्रूफ रहता। सीसीटीवी में सब कुछ आया है पर सीसीटीवी में ऑडियो तो नहीं आता है ना, क्योंकि सीसीटीवी कोई 20 फुट पे कोई 40 फुट पे पेट्रोल पंप के बाजू से लगे हुए हैं, हर एमपीडी के ऊपर हर कस्टमर हर हम एम्प्लॉय के सिर के ऊपर गोप्रो की जैसे तो नहीं लगे हुए हैं। तो हमने वो वीडियो बनाए, अब वीडियो में दिखाई दे रहा है कि औरत कितनी चिल्ला रही है, वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो मारने के लिए जा रही है और वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि उसने ही सबसे पहले मेरे एम्प्लॉय के कान के नीचे आवाज निकाला। जब कोई आरोप करता है या डाउट लेता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम क्लियर करें, हम क्लियर करने के लिए तैयार है और क्लियर करने नहीं देता। हर बार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट उठता है तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है जब हमें गालियां मारी जाए और हमारे एम्प्लॉयज को मारा जाए। लेकिन कुछ लोगों का मिलकर एक महिला को मारना कहां तक सही है? कुछ लोगों का मिलकर महिला को नहीं मारना है, ये क्वेश्चन पूछने से पहले आप हमारे सीसीटीवी फुटेज और हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग लीजिए। अगर वहां पे दिखाई देते हैं जिस मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू थी वो मोबाइल झपटा मार के वो खींचने के लिए गया, अगर वो झपटा मार के मोबाइल खींचने के लिए गई है उसको मोबाइल से कोई मार नहीं रहा था, उसका कोई गंदी गालियां नहीं दे रहा था। अगर वीडियो बनाते वो झपटा मार के मोबाइल खींचती है तो उसके पास से वापस मोबाइल खींचने के लिए सिर्फ उसके हाथ से मोबाइल खींचा गया है, चाहिए तो वो भी वीडियो बना सकती थी। और आज वही सारा का सारा जिंदा सबूत हमारे पास है, हर एंगल से है, विद ऑडियो है। इस चीज के लिए वो महिला सॉरी बोलना तो दूर की बात जाके कंप्लेंट्स डाल रही है। और ये आपके क्वेश्चन पे मैं और एक बात बोलना चाहता हूं, आप एज अ कस्टमर आके आप आपका डाउट रेज करते हैं और अगर पेट्रोल पंप वाला आपको माप नहीं निकाल के देता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक रिसीट नहीं देता है, आपको एमपीडी का हिसाब नहीं समझाता है तो आप अवश्य उसके ऊपर उंगली उठाए, पर हर चीज करने के लिए तैयार है और हर बार अगर बात चेंज हो रही है फिर गालियों से बात हो रही है और फिर मोबाइल खींच के कान के नीचे आवाज बजाना शुरू हो रहा है तो मैं या किसी भी पेट्रोल पंप के एम्प्लॉय मार खाने के लिए यहाँ पे नहीं खड़े हैं। इसके पहले भी आपके इधर आरोप लगा था कि पेट्रोल में पानी मिला था, वो क्या सच है? यहाँ पे आरोप बहुत लगते हैं, आरोप बहुत लगने दो, यहाँ पे आरोप लगे। एक के ऊपर हमने 50 लाख का दावा भी ठोका है सबूतों के ऊपर, उसके बाद कोई आता नहीं है। आरोप लगाने वाले ने 9 बार हमारे एसओ जो है सेल्स ऑफिसर उनको फोन किया, हमारे सेल्स ऑफिसर ने हमेशा उनको एक ही बोला आप उसी नोजल पे तुरंत जाइए और 5 लीटर का माप निकाल के देखिए, आप भी वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, सच सामने आए। वो आदमी 22 दिन में 9 बार उन्होंने सिर्फ कंप्लेंट की, 1 बार भी नहीं आया। वो जब यहाँ पे कंप्लेंट करने के लिए आया था तब मेरी मैनेजर ने उनको यही बोला कि आप चाहिए तो सीसीटीवी दिखिए, आपको चाहिए तो हम हमारे ऑनलाइन सिस्टम पे दिखाते कि आपके गाड़ी में पेट्रोल गया कि नहीं गया, मीटर के ऊपर नहीं, जो हमारी सेंट्रलाइज सिस्टम है उस सेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर प्रूफ है। और उन्होंने एक बात बोली आपको उसी एमपीडी से कंप्यूटराइज रिसीट निकाल के हम देते हैं, सारे मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं,
जब मशीन से कंप्यूटराइज रिसीट निकल रही है, जब सीसीटीवी फुटेज आ रही है, जब मेजर भी हमारा करेक्ट निकल रहा है, और जब हम हमारे सर्वर के ऊपर भी दिखाते हैं कि इस नंबर के मशीन से इतने बज के इतने सेकंड को इस कस्टमर को इतना पेट्रोल गया हुआ है, ये कोई पूछ नहीं लेता है, सिर्फ आरोप लग के जाता है, तो फिर इनके मुंह में बंद नहीं कर सकता हूं और ना ही मुझे जरूरत है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखे, महिला का वीडियो आपने सुना, महिला का बयान सुना, पेट्रोल पंप मालिक का बयान सुना। अब जब पेट्रोल पंप मालिक से महिला के ऊपर हुई इस मारपीट का बयान लिया गया, तो किस तरह से उन्होंने इतना लंबा चौड़ा 7 मिनट का भाषण दिया वो आपने सुना है। लेकिन क्या ये परिस्थिति क्यों हुई? हो सकता है कि पेट्रोल पंप मालिक जैसा बोल रहे हैं कि पहले गलती प्रथम महिला की, लेकिन उसके भी चांसेस नहीं है। अब वीडियो में जैसा आपने देखा है, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि उस महिला ने मारपीट शुरू नहीं की, उस महिला ने सिर्फ अपनी ओर उंगली दिखाती महिला की हाथ को हटाया, लेकिन दूसरी महिला ने पलटकर उस महिला को, जो कि उम्र में ज्यादा है, मारना शुरू कर दिया। इस पूरे वाक्य को पेट्रोल पंप का स्टाफ जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करता है अपना पास सबूत दिखाने के लिए, लेकिन कोई बीच बचाव नहीं करता है। और पेट्रोल पंप के स्टाफ ने जो वीडियो रिकॉर्डिंग किया उतना ही किया जिसमें यह लग रहा है कि महिला ने, क्यों नहीं पूरी घटना क्या हुई थी शुरुआत से वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया, जबकि एक वीडियो में है महिला के गाड़ी से चाबी निकाला गया था, यह भी दिख रहा है। अगर किसी ग्राहक को किसी भी ऐसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, फिर चाहे पेट्रोल पदार्थ हो या कोई भी, वहां कोई दिक्कत है, तो उसका सॉल्यूशन करने की जगह उसके साथ मारपीट करना बराबर है? इस मामले में पुलिस की भूमिका की बात करें तो पुलिस ने मामले को एक साधारण मारपीट लेकर, दोनों ही पक्षों की एमसी लेकर, दोनों पक्षों को समझ पत्र देकर, चेतावनी देकर भेज दी। क्या यह मामला एमसी वाला था? एक महिला के साथ मारपीट होती है और पुलिस उसमें सिर्फ एनसी करती है, क्या एफआईआर नहीं बनती है? पुलिस का यह तर्क है कि महिला भी मारपीट कर रही है, गाली गलौज कर रही है, तो ऐसी नौबत क्यों आई? यह तो तपास होना चाहिए ना। इस चीज की तपास कब होगी? जब गुनाह दाखिल होगा। अगर गुनाह दाखिल होने के बाद में ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है तो मामला वहीं पर खत्म होगा। क्यों सीसीटीवी फुटेज चेक नहीं किया गया? उसमें सत्य आ जाता था शुरू से अंत तक का। तो ये मामला कहीं ना कहीं थोड़ा गंभीर है विषय, और इसको जिस तरह से लिया गया है, मुझे लगता है कि उसमें जांच में कहीं ना कहीं पुलिस की कमी है। आज के लिए इतना ही, वसई से सो। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।